अंकल जी क्या लगता है लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? ये तो मुझे ही अपना मालिक बता दिया। ऐसा नहीं है, नरेंद्र मोदी बनना चाहिए। हाँ जी, आपको क्या लगता है? हाँ सर, वही है, नरेंद्र मोदी। बात ये बता दी, लोकसभा चुनाव है 2024 में सरकार किसकी? मैं तो मोदी को लाइक करता हूँ। ऐसा मोदी जी, मैं मोदी को लाइक इसलिए करता हूँ क्योंकि भाई मैं बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने 500 साल पुराने मुद्दे जैसे राम मंदिर वगैरह उसका भी मुद्दा खत्म कर दिया उन्होंने। मैं इसलिए मोदी को बेस्ट मानता हूँ। आप सर? मोदी आएंगे क्योंकि उन्होंने विदेश में अपना नाम ऊंचा किया है इंडिया का और बहुत बढ़िया काम किया है, और मोदी ही आना चाहिए। मुलाकात मोदी कर रहा है। अपने इतने थे राहुल गांधी, इतने फॉरेन से जितने भी आए थे कोई हाथ नहीं मिलाना चाहता था। अभी सब हाथ मिलाने चाहते हैं, अपने इंडिया को आगे बढ़ाने चाहते हैं, कारोबार बढ़ाने चाहते हैं। खाली बात राहुल गांधी प्रधानमंत्री के रूप में? नहीं नहीं, मोदी बरोबर है। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चला रहे थे। बहुत कुछ जोड़ा भारत, टूटा कब था ये तो बताइए। जोड़ो यात्रा करते करते मैं क्या कह रहा हूँ, वो तो एक अलग बात होगी। कर्नाटक उनको जीत गया, लेकिन ये तो जोड़ा कहा है ना भारत को, राजस्थान में भी उनकी सरकार थी। अब आपको कर्नाटक में वो अलग बात है, भारत टूटा कब था मोदी जी जो। अगर मोदी जी काम कर रहे होते तो आज कर्नाटक जीत चुके होते ना। तो ये कोई अलग नहीं है कि नहीं, इसमें क्या है, इसका एक सिस्टम है राजस्थान और कर्नाटक में कि हर साल 5 साल सरकार चेंज होती है। अच्छा। उसके हिसाब से ये गए हैं। बाकी मतलब फिर मोदी जी इतना जोर क्यों लगा रहे थे? और तो देखो वो पार्टी के हिसाब से काम तो करता ही है। हाँ। वो दिन रात काम तो करता ही है। फॉरेन जी टेक्नोलॉजी सारे इधर ही ला रहे हैं, वो मोदी जी लेके आ रहे हैं। जापान जब बुलेट ट्रेन है ये सब जापान की ना, सब इधर की ला रहे हैं बुलेट ट्रेन। हाँ, देश बदलेगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्या बदल रहा है? अगर अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बना दे तो? अरे बेकार है, बेकार है वो यादव, बेकार। हाँ, उसके राज्य अखिलेश यादव के टाइम में ना यूपी में बताते थे उनके जो कार्यकर्ता थे वो अपने टाइम में बहुत बड़े गुंडे हुआ करते थे। मोहल्ले पड़ोस में कोई भी ना अखिलेश का कोई कार्यकर्ता होता था उस समय भी बहुत अच्छी खासी गुंडी करती चलती थी। और अब जो आप जाके योगी सरकार कोई गुंडागर्दी, योगी के राज में माफियाओं का सफाया वाकई हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ऐसा होता था पहले ना, आप यूपी में रात को आप 8 बजे जारी हो सकते थे, आज आप 2:30 बजे भी चले जाओ। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बाकी मैं यूपी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरे रिलेटिव रहते हैं, वो कहते हैं जब से योगी आया है क्राइम बिल्कुल खत्म हो गया है। आज आप 2:30 बजे रात को भी चले जाओ तो भी कोई आपको दिक्कत नहीं सकती। लोकसभा चुनाव में मोदी और योगी की सीट पक्की है? मैंने मेरे हिसाब से तो पक्की है, बाकी पब्लिक का रुझान है। तो मोदी जीतेगा। आप सर? यस मोदी। आप सर? मोदी जी जीता जीता है मोदी। अच्छा, कोई उसके आगे कोई नहीं है। हाँ। चाहे वो कहते ना कुत्ता 100 निकलते ना। हाँ। तब भी वो जीत नहीं सकते, शेर अकेला एक बार धार देना बस काम हो जाता है। अच्छा। हाँ तो मोदी जी को आप शेर बता रहे हैं? शेर है ही। हाँ। कहाँ से वो गिदड़ है? अच्छा। हर जगह से शेर ही है। बताइए लोकसभा चुनाव है, बहुत बड़े लेवल का चुनाव है, देश को एक नया प्रधानमंत्री मिलने की एक उम्मीद सब जगा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, अब तो वो एजेड हो चुके हैं, किसी और को मौका? योगी जी है ना? योगी जी हैं। हाँ ना, मतलब मोदी जी बदलते हैं और ना सीट बदलते हैं। हाँ। वो तो एक ही में बह रहते हैं भगवा में। एक चीज बताइए, कह रहे थे कि जब से योगी जी आए हैं तब से माफियों का सफाया हो रहा है, हो रहा है? हो रहा है। हाँ। रियल में हो रहा है, यूपी जाके देखो ना। हाँ। दिखावे में नहीं, वैसे रियल में हो रहा है। पार्टी कौन सी जीतने वाली है, किसकी सरकार बनने वाली? देखो मैडम जी, हमने बड़ा पहले कहा था कि पेट के लिए रोटी, देश के लिए मोदी, गुंडों के लिए योगी। ये आजकल हिंदुस्तान की जरूरत है। हाँ। मतलब मोदी जरूरत है। अब देख लीजिए इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। लेकिन हम दिल्ली में अभी खड़े हैं और अगर दिल्ली की हालत देखें तो यहाँ पर काफी जो क्राइम है वो देखा जा रहा है, क्या लगता है योगी की जरूरत दिल्ली में भी? क्राइम इतना नहीं है, जो वैसे मिनिस्टर लोगों की आवारागर्दी ज्यादा है। हाँ। ये आप वाले जो है थोड़ा भी सेटल नहीं हो पा रहे। अच्छा, आप मोदी जी को बड़े दावे के साथ कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बना देना चाहिए, लेकिन अगर बात की जाए केजरीवाल की, बात की जाए केजरीवाल की, तो केजरीवाल प्रधानमंत्री के रूप में? नहीं नहीं, अभी उसमें इतने गट्स नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए बड़े गट्स चाहिए। हाँ। अभी उसकी प्राइम मिनिस्टर वाली पोजीशन नहीं है, जो मोदी की है उसकी नहीं है, बनेगा अभी मोदी ही। हाँ। अभी मोदी ही बनेगा। हाँ। बाद में देखो ये कैसे, अभी तो बेचारा खुद ही है। तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी तो अब थोड़े एजेड हो चुके हैं, किसी और को? नहीं नहीं, इतनी एज नहीं हुई है। अब आप बताइए ना, मनमोहन सिंह जी कितनी एज तक बने रहे, ना बोलते थे ना कोरते थे, हमारा सत्यानाश करके चले गए। प्रधानमंत्री अगर ना हो तो उसके रूप में राहुल गांधी कैसे रहेंगे? हरिओम हरिओम हरिओम। राहुल गांधी के नाम पे हरिओम? हरिओम हरिओम हरिओम। किसको बुला रहे हो? जिससे कोई शादी नहीं करना चाहता उसको? आटा बिकया चाहिए 100 रुपए किलो, किसान मर रहा, आटा बिकया चाहिए। महंगाई होना, महंगाई कोई महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, महंगाई कोई।
जनता महंगाई महंगाई नहीं कुछ नहीं है महंगाई सब बढ़िया भगवान की कृपा से अच्छा चल रहा है अच्छा कमा बहुत बढ़िया सब खा रहा है सिवन के पास पैसा है सबके पैसा है मोबाइल समीर है चला रहा कोई कोई नहीं कुछ समीर है सब अमीर है भगवान की कृपा सब समय योगी बोस मोदी के बाद योगी का हाँ लम्बा राहुल गांधी को भी नहीं नहीं 70 साल से कुछ करा ही नहीं 70 साल से कुछ करा ही नहीं इतना तो कुछ किया है नहीं नहीं कुछ नहीं करा मेट्रो शिला दीक्षित ने कराई नहीं नहीं मोदी की जगह आप किसी और को अगर कंपटीशन समझे मोदी का तो कौन है मोदी का कंपटीशन फिर तो मैं ही बताऊं अच्छा आप मोदी का कंपटीशन है तो मोदी का कंपटीशन कोई भी नहीं है नीतीश कुमार 8 बार मुख्यमंत्री अरे नीतीश कुमार बिहार तो संभल नहीं रहा कितने रोज ही लोग मर रहे बेचारे वहाँ पे बिहार तो इतना बढ़िया संभल रहा है रोज कोई ना कोई मर रहा है रोज कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है तो फर्क है ना तो ऐसे बंदे क्या करेंगे टाइम आया था राहुल गांधी का बनने का जिस टाइम पे उस टाइम पे क्या नाम है सोनिया गांधी ने ये सोचा था कि एक ही आखिरी वंश बचा हुआ इसको भी दांव पे लगा दूंगी कौन है उसका हेड नेता बेमौत मारा गया 2024 है लोकसभा चुनाव है प्रधानमंत्री के लिए मोदी आएंगे मोदी से बढ़िया भी कोई नहीं उसके बाद आना रहेगा कोई उनसे अच्छा अखिलेश यादव अरे कहाँ अखिलेश यादव अपने घर को संभाले उसके बाद है प्रधानमंत्री का विकास होना चाहिए था वो पैसे गरीब के खा के 1 लाख हाथी बनवा लिया बताओ ये कौन सी बात हुई केजरीवाल आएंगे थोड़ा टाइम लगेगा केजरीवाल आएंगे लेकिन थोड़ा सा एक्सपीरियंस थोड़ा थोड़ा हो जाएगा और उनसे बढ़िया पढ़ा लिखा कोई नहीं है लेकिन सही से काम करेंगे वो आ जाएंगे।